Cash Mark. हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसने अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं पीसी के द्वारा। तो सबसे पहले आपको मेन मेनू में जाना होगा। अब आपको सेटिंग खोजना होगा, सेटिंग में क्लिक कीजिए। फिर देखिए सेटिंग खुल चुका है। उसके बाद आपको अबाउट फ़ोन खोजना होगा। अबाउट फ़ोन सबसे एंड में रहता है, तो आपको इसमें बिल्ड नंबर में जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन पहले से नहीं रहता है। तो आपको बिल्ड नंबर में 6 टाइम क्लिक करना है, 6 टाइम। तो आप अभी डेवलपर ऑप्शन के मेंबर बन चुके हैं, तो आपको डेवलपर ऑप्शन में खोलना है। फिर देखिए डेवलपर ऑप्शन ऑन है हमारा, तो आपको भी ऑन करना है। फिर डबिंग, देखिए डबिंग आ चुका है, USB डबिंग, तो आपको डबिंग ऑन करना होगा। ओके, अलाउ USB डबिंग, अलाउ कर चुके हम। हेलो दोस्तों, आपको USB डबिंग करने के बाद आपको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होगा, इंटरनेट भी चालू करना होगा। फिर आपको आई रूट में क्लिक करना है, तो आपको देखिए एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग डेमन, तो आपको वेट करना होगा कुछ देर। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रूट करने के लिए इंटरनेट सबसे ज़रूरत है, इंटरनेट के बिना रूट नहीं हो सकता। देखिए हमारा LS4503 इज कनेक्टेड लिख चुका है, हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, अभी रूट कर सकते हैं आप इसे। देखिए हमारा कनेक्ट हो चुका है, तो आपको उसके बाद आपको रूट करना है। इसमें नीचे सबसे कॉर्नर में देखिए रूट का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको वहाँ रूट करना है। रूट में क्लिक कीजिए। देखिए हमारा रूटिंग प्रोसेस चालू हो चुका है। देखिए रूटिंग नाउ डिवाइस प्लीज़ वेट। आपको इसमें थोड़ा प्रिक्वेशंस भी मानना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये देखिए LS4503 इज़ रूटेड सक्सेसफुली। आप ये देखिए नीचे बहुत सारे ऐप भी दिए हुए हैं जो रूटेड ऐप है, आप उसे ट्राई भी कर सकते हैं। आपको इंस्टॉलेशन करना है बस, और कुछ नहीं। हमारा ये आई रूट हो चुका है, तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ आप मेरे वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देते रहेंगे। हम देखिए आपका एक टू एक लोक वेदर रिपोर्ट आप इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके फ़ोन को बहुत मॉडिफाई मिल सकता है। आप इसमें कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए हमारा तो अभी इंटरनेट कनेक्शन इतना फास्ट भी नहीं है, तो हम इसे इंस्टॉल मत कीजिएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप इससे आप अनरूट भी मार सकते हैं अपने फ़ोन को।